मौसम तो आज बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश भी आ जाए। यहाँ पे कश्मीरी पुलाव बन के मेरे रेडी है। ले बुमा लेके जा। ये किसकी ड्राइंग की बुक ली है क्या? अरे मारते नहीं भैया को, जा। नहीं नहीं बदमाशी। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और अभी की क्लीनिंग वगैरह तो मेरी हो गई है और अभी बस नहा धो के बैठी हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए थे गाइस, अब जा रहे हैं ये लोग ट्यूशन, शाम का टाइम हो गया है। तो चलिए गाइस फटाफट से आज जा रही हूँ मैं वॉक करने के लिए, अभी जा रही हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। तो चलिए अभी वॉक करने के लिए चलती हूँ मैं, तो ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, दूसरी ड्रेस पहन लेती हूँ। अभी आजकल मैं इवनिंग की वॉक कर रही हूँ और वो भी मैं पार्क में जाके करती हूँ, यहाँ पे घर पे करती नहीं हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इसीलिए शाम के टाइम सही रहता है। सुबह सुबह तो वैसे भी यहाँ पे रात भर पूरी रात बारिश आती है और दिन में थोड़ा सूखा हो जाता है। बस यहाँ का यही है, पूरी रात बरसेगा, दिन में पूरा सूखा। अभी जैसे शाम हो गई है तो शाम को इतनी बारिश, अभी बारिश का मौसम नहीं है फिलहाल, तो ठीक ठीक ही लग रहा है। तो मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ, साथ में मेरे आ रहे हैं डिम्पल, हम दोनों ही जाते हैं, डेली जाते हैं क्योंकि आजकल बच्चों को ट्यूशन छोड़ देते हैं, फिर हमारे पास एक डेढ़ घंटा होता है, तो एक डेढ़ घंटा हम लोग घर पर बैठ के क्या करें, तो हम लोग सोचते हैं चलो वॉक ही करके आ जाते हैं। तो वॉक करने के लिए हम लोग जाते हैं पार्क में। तो चलिए गाइस वहीं पे मिलती हूँ अभी आपको। तो गाइस यहाँ पे आते हैं हम लोग डेली शाम को वॉक करने के लिए, तो मैं और डिम्पल आए हुए हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। वॉक वगैरह करके आ गई हूँ और अभी भूमि को आई हूँ शॉप पे चीज़ें दिलाने के। भूमि को घर से लेकर आई, ट्यूशन जाके आई है भूमि, और साथ में ये चीज़ें लेकर आई है। अभी क्या क्या लाई है भूमि? से आके घर पे आराम करके फिर आए, फिर आई है मेरे को तंग करने के लिए, है ना? ये देखो। मौसम देखिए कितना मस्त हो रहा है, मौसम तो आज बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश भी आ जाए, लेकिन फिलहाल बारिश का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और बस थोड़ी शाम हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। हो सकता है सूर्या के डैडी भी आ गए होंगे ऑफिस से, हम आए तब तक तो आए नहीं थे, मैं वॉक करके आई थी, 6:30 बजे घर पे आ गई थी। अच्छा फिर रुक सकते हैं क्या तुझसे? अरे नहीं वो जग गए ना, देख बदमाशी कर रही है। तो भूमि को लगता है रात को पेड़ सो जाते हैं इसलिए उसको टच नहीं करती है, और बोल रही पेड़ को मैंने जगा दिया है। और गाइस यहाँ पे स्ट्रीट पे देखिए डॉग, हर स्ट्रीट में आपको डॉग नजर आएंगे। नीचे की साइड हो जाते हैं ना, पता नहीं। हाँ। ये देखिए और यहाँ पे हरियाली देखिए, हर जगह आपको पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे, हर घर के आगे आपको एक दो पेड़ नजर आएगा। इसीलिए गाइस यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा है, तो आप लोग भी हो सके तो पेड़ लगाइए अपने आसपास में जिससे बारिश हो, पानी की कमी ना आए हमारे। रात अंधेरा हो गया यहाँ इसीलिए ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, अभी अंधेरा चलते चलते अंधेरा हो गया, पहले उजाला था अब अंधेरा हो गया। हमारी सोसाइटी में पूरा का पूरा उजाला रहता है पूरा। देखो गाइस सोसाइटी गाइस, ये देखिए पूरी रोड है लंबी, तक कोई भी नहीं, रोड पे एक बच्चा भी नजर नहीं आएगा। ये देखिए जूम करके दिखाती हूं, कोई नहीं इस टाइम पे, ये देखो इस रोड पे भी कोई नहीं है, इस रोड पे भी कोई नहीं है, सिर्फ बस मैं और भूमि है। तो चलिए गाइस घर पे पहुंच जाते हैं, अभी फटाफट से चलते हैं घर पे। ये भाग रही है इतनी फास्ट फास्ट से, यहाँ क्यों खड़ी है, क्या कर रही है? चल घर पे चल। ऐसे करना अच्छा होता है क्या? हाँ जोड़ो भगवान को बस। लाइए सामान यहाँ पे, ये देखिए कितना, बस गई वॉक वगैरह करके आ गई थी और भूमि शॉप से लाई है ये थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने के लिए। से आने के बाद गाइस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज कश्मीरी पुलाव, तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया, घी के अंदर काजू और बादाम डाल के उनको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि कश्मीरी पुलाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसीलिए आज बहुत पहले बनाए थे, बहुत दिनों के बाद आज पहली बार बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने काजू और बादाम को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है घी के अंदर, तो काजू और बादाम तो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और अब कर रही हूँ गाइस यहाँ पे किशमिश, तो किशमिश भी डाल दी, और किशमिश थोड़ी आप ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद लगेगा क्योंकि मीठा मीठा स्वाद लगता है, थोड़ा थोड़ा अंदर जब मुँह में आती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे किशमिश भी मैंने फ्राई कर ली है, घी में ही की है ये भी, और इनको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेती हूँ कटोरी में। तो गाइस इसी तेल, इसी घी के अंदर अब मैंने डाल दिया थोड़ा तेल, और तेल में यहाँ पर मैंने प्याज लिया है एक, उसको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है जिससे कि ये हम इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अभी ये और तेल के अंदर ही, और जब ये भी ब्राउन हो जाए तब इनको भी गाइस हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे अलग से। तो यहाँ पे देखिए मेरे ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ एक प्लेट में इनको,
तो गाइज इसी तेल और घी में हम लोग बाकी का करेंगे, लेकिन यहाँ पे घी जो है मेरा ज़्यादा है। अगर घी कम हो तो आप घी और डाल सकते हो इसके अंदर। और फिर मैंने डाल दिया दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची और दो छोटी इलायची डाल रही हूँ। तो गाइज खड़े मसाले में ये रहेगा, और यहाँ पे तेज़पत्ता भी डाल सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास तेज़पत्ता था नहीं, इसीलिए मैंने डाला नहीं, बाकी यहाँ पे तेज़पत्ता भी डलता है। और अब गाइज डाल देती हूँ लास्ट में जीरा। यहाँ पे जीरा मैंने जो शाही जीरा आता है वो भी डाला है, और नॉर्मल जीरा जो आता है वो भी डाला है, दोनों ही डाले हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है, इसीलिए दोनों जीरे डाल दिए हैं। और अब गाइज मैंने बासमती राइस को अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। जो चावल हैं वो मैं डाल दूँगी इस मसाले के अंदर, घी के अंदर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं गाइज। इसकी जो खुशबू होती है पूरे घर में महकने लग जाती है जब हम बनाने लग जाते हैं तभी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा मेरे यहाँ पे तो खुशबू आ रही है, आप लोग को तो नहीं आ रही होगी, बट बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ़िलहाल घर के अंदर। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर दिया है सारे मसालों में। यहाँ पे मैंने एक कटोरी चावल लिए हैं, तो गाइज मैं यहाँ पे दो कटोरी डालूंगी पानी की। तो ये एक कटोरी है तो मैं इसका डबल डाल दूंगी। तो बस गाइज इसी तरह से बनते हैं पुलाव। इसका मेजरमेंट जो होता है पानी का वो इसी तरह से लेना चाहिए बासमती राइस के साथ में। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ पानी। पानी गाइज मैंने गर्म लिया है, तो ये देखिए मैं यहाँ पर गर्म पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, जिससे कि हमारे जल्दी और अच्छे स्वादिष्ट बन जाए। तो ये देखिए मैंने दो कटोरी पानी ले लिया है। अब इसको चमचे की सहायता से फिर से एक बार मिला देंगे सब चावलों को पानी के साथ में। लास्ट में यहाँ पे डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। बस इसमें नमक मिक्स कर देंगे और गाइज अब ढक्कन लगा के इनको रख देंगे काफ़ी थोड़ी देर के लिए। बस गाइज अभी देखते हैं ढक्कन खोल के। तो ये देखिए पुलाव रेडी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट बनने वाले पुलाव हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए गाइज अभी मैं जो है देख रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं मेरे। तो अब जो गाइज मैंने प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखे थे, मतलब फ्राई करके रखे थे, वो वाले मैं इनके ऊपर डाल दूंगी। और देखिए यहाँ पे सारे अच्छी तरह से फैला देंगे, बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं वैसे भी ये, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। और काजू बादाम किशमिश जो मैंने फ्राई करके रखी थी घी में वो भी इनके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, और गाइज फिर इनको चम्मच की सहायता से सबको मिक्स कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं ये। तो ये देखिए गर्मा गर्म खाइए कश्मीरी पुलाव। तो गाइज मेरे कश्मीरी पुलाव बनके रेडी है। तो ये देखिए कश्मीरी पुलाव मैंने बना दिए हैं। कश्मीरी पुलाव बहुत ही अच्छे है, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है। चलो अभी अंदर चलो, अंदर चलो, चलो खाओ। तो गाइज मैं लेकर आई हूँ देख, तो पनीर की सब्जी है और प्लस कश्मीरी पुलाव। टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसे बने हैं। तो गाइस रियल में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर अगर आप सब्जी भी नहीं ले रहे हो, अगर खाली पुलाव खा रहे हो तो भी बहुत टेस्टी लगेंगे, इतने अच्छे हैं। बीच बीच में जो क्रंची बादाम काजू किशमिश ये सब आ रहे हैं, बहुत क्रंची में अच्छा लग रहा है। और साथ में प्याज जो मैंने फ्राई करके डाले थे उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आज का डिनर हमारा यही है, कश्मीरी पुलाव और पनीर की सब्ज़ी। तो बस गाइस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। स्विगी चालू कर देते, स्विगी स्विगी मुंडा डिन करो।